हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आपको वर्गंताल और बारंबारता दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप लोग सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए एक प्रत्यक्ष विधि होती है आपकी, है एक कल्पित विधि होती है, एक पद विचलन विधि होती है। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने के कई तरीके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य सीखेंगे, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सवाल जो आते हैं, ये सवाल आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो इससे आपके जो है 4 नंबर पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। तो चलिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है वो समझ लो आप। ठीक है, फर्स्टली हम लोग पहले यहाँ पे काम समझेंगे, पहला काम क्या होता है हमारा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से समांतर निकालना है। प्रत्यक्ष विधि क्या विधि होती है, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले वर्ग अंतराल। ठीक है, बारंबारता ये लिख, बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एफ होती है। वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, देखो सवाल लिखा हुआ है 0 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये लिखो पहले। तो उसको लिखते हैं हम लोग 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये तो वर्ग अंतराल दे दिया गया। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, आगे दिया गया है हमें वर्ग अंतराल के बाद। देखो यहाँ पर जो हमें दी गई है बारंबारता, हम लोग लिखेंगे बारंबारता, देखो कितनी है, 4 8 10 12, 10 4 2, लिख देते हैं 4 8 10 12, 10 4 2, हमने क्या किया, बारंबारता लिख दी। बारंबारता लिखने के बाद अब देखो, जब ये डायरेक्ट मतलब आपका जब प्रत्यक्ष विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं, ये समझो, सिर्फ स्टेप समझना है हमें। ये दो चीज़ें दी गई थी, मैंने ये चीज़ें लिख ली। अब तीसरा हमारा काम बनता है प्रत्यक्ष विधि में कि आप निकालें मध्यमान। क्या निकालें, मध्यमान। मध्यमान होता है हमारा एक्स, हमें एक्स निकालना है। मध्यमान कैसे निकलेगा, जो भी आपकी बारंबारता दी गई है उसको दोनों को जोड़ लेना है। ये होती है देखो निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ना है, उसका आधा कर देना है, वही मध्यमान होता है। जैसे 10 और 20 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, 30, और 30 का आधा कर देंगे कितना जाएगा आपका 15, तो 15 लिख देंगे। ऐसे 20 और 30 कितना होता है 50, 50 का आधा कर देंगे कितना जाएगा 25, 40 30 कितना होता है 70, 70 का आधा 35। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है 10 20 10 30, तो इधर भी 10 का अंतर आ रहा है, 15 10 25 10 35, फिर आगे हो जाएगा आपका 45, फिर आपका हो जाएगा 55, और फिर हो जाएगा आपका 65, और फिर हो जाएगा आपका 75। बिल्कुल क्लियर बात। तो यहाँ से हमने मध्यमान निकाल लिया। और मध्यमान निकालने के बाद हमें क्या करना है, समझो आगे थोड़ा सा, एफ इंटू एक्स निकालना है। एफ इंटू एक्स करना है, एफ और एफ का गुणा करना है, एफ और एक्स का गुणा कैसे करेंगे आप लोग समझो। देखो पहला हमारा क्या है यहाँ पर, उसको समझेंगे। जैसे हमारा पहला लिखा हुआ है 15 4, 15 चक्कू कितना होता है, देखो गुणा करो पहले इसका, तो 15 का 4 में करेंगे तो 15 चक्कू हो जाएगा आपका 60। अगला देखो 25 8 कितना होता है 200, 35 52 गुणा इसी का तो करना है, इसका इसमें गुणा करना है, आपको लाइनिंग नहीं करने बता रहा हूँ ताकि आप सही गुणा करें। 35 52 350, 45 का गुणा करना है आपको 12 में, तो 45 का 12 में करेंगे कितना जाएगा, गुणा करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 45 52 450, 45 2 90, 450 90 हो जाएगा आपका 540, 55 52 आपका हो जाएगा 550।
का 4 में गुणा करेंगे, 65 चक्कू, तो 65 का जब 4 में गुणा करेंगे हम, तो 6 चौक 24, 240, 5 चक्कू 20, 240 20 मतलब 260 ही आपका आ जाएगा। 75 का 2 में करेंगे हो जाएगा आपका 150, गुणा कर लिया एफ एक्स का। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। सिग्मा मतलब होता है जोड़, हमें एफ एक्स को जोड़ देना है, जोड़ दो सभी को, तो 0 आपका ही हो जाएगा। 6 और 5 11, 4 15, 15 और 5 20, 6 26 और 5 31 का 1 हासिल लगा आपका 3, ये हासिल का 3, 3 2 5 3 8 10 18 19 20 21, ये हो जाएगा आपका 2110। जोड़ने पे कितना आ गया, 2110 आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है 12 12 का योग, इसको योग जोड़ो, 4 8 12 10 22 23 24 10 34 10 44 और 6 50, ये आपका जाएगा 50, कितना जाएगा आपका जाएगा 50। क्लियर हुई बात, तो आपका आया है 2110 और ये आया आपका है 50। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है वो देखो पहले आप लोग। समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है, इसको देखो। देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया आपका 2110, तो लिखेंगे 2110 बटे में कितना है, सिग्मा एफ का मान है 50, तो बटे में लिखेंगे 50, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 कितना आया आपका यहाँ पर, इधर देखो आप लोग, अब ये आया है 211 बटे 5, 5 से कर दो भाग आप लोग, 5 चक्कू 20, 50 11, 5 2 10, 5 5 50, 5 2 10, मतलब ये आ जाएगा आपका 42.2, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 42.2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया है कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है जो आपसे नहीं लग रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए आपका सवाल सॉल्व करके आपको एक वीडियो दे दी जाए। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।